हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपसे जो है वो एक जॉब वैकेंसी शेयर कर रहा हूं, और ये जो जॉब वैकेंसी है ये एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2020 के जो पास आउट्स हैं उनके लिए है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए जो कि इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, सिंथेसिस डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं। तो एक बहुत ही जो इंडिया का बड़ा सीआरओ है, सीआरओ क्या होता है इसके ऊपर मैंने जो है वो 2 से 3 वीडियोस बना रखी है। तो आप मेरे जो वीडियो के सेक्शन में जाकर पूरा अच्छे से आप समझ सकते हैं कि सीआरओ में किस टाइप का वर्क होता है, सीआरओ क्या होते हैं। तो वो आप वहाँ पर जो है वो अच्छे से मैंने काफ़ी जो है वो डिटेल में बता रखा है। आज का इस वीडियो जो है उसमें मैं जॉब वैकेंसी के बारे में और कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में आपको मैं बताऊँगा। तो ये जो वैकेंसी है ये है सीआरओ यानी कि कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जीवीके बायोसाइंसेस जो कि हैदराबाद में है। एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2020 के पास आउट्स लोकेशन रहेगी हैदराबाद, और यहाँ पर जो फ्रेशर हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। 2020 के पास आउट आप होने चाहिए, और यहाँ पर जो स्क्रीन है उस पर आप देख सकते हैं। तो ये जो मेल आईडी है इस मेल आईडी पर आपको मेल कर देना है, और जो सब्जेक्ट आप लिखोगे उसमें आप जरूर लिख देना जूनियर रिसर्च एसोसिएट। तो ये जो है वो तो हो गई जॉब वैकेंसी के बारे में बात। एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रेशर होने चाहिए। अब ये जो जॉब वैकेंसी थी इसमें लिखा था 2020 पास आउट, बट अगर आप इस साल एमएससी पास आउट आप हो रहे हैं या फिर आप 2019 के भी हैं और कहीं पर आपको जो है वो एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत, आप फिर भी अप्लाई कर दीजिए। क्या पता जब उनके डेटाबेस में आपका सीवी जो है वो आ जाएगा और कभी आपके रिलेवेंट भी अपॉर्चुनिटी इन बिटवीन आती है तो आपको भी कॉल आ सकता है, तो आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली ये जो वैकेंसी थी ये 2020 पास आउट्स एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए थी, बट जो इस साल हो रहे हैं पास आउट और या फिर हो चुके हैं जिनके एग्जाम या फिर कोई 2019 का भी है तो अप्लाई कर दीजिएगा। और जो दूसरी बात आ जाती है कि जो जॉब रहेगी वो किस टाइप की रहेगी, तो ये जो जॉब है ये सिंथेसिस डिपार्टमेंट में है। सिंथेसिस डिपार्टमेंट का मतलब ये होता है कि जहां पर जो है वो स्मॉल स्केल सिंथेसिस होता है मॉलिक्यूल्स का। तो अब जो जिन्होंने जो है वो एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जो अपना जो प्रैक्टिकल करते हैं उसमें हम जो है वो कंपाउंड की सिंथेसिस करते हैं, फिर उनका कैरेक्टराइजेशन करते हैं, ये सब आपने जो है वो प्रैक्टिकल्स किए होंगे और कई लोगों ने स्किप भी किए होंगे। तो ये जो जॉब होती है उसमें आपको स्पेसिफिकली जो है वो मॉलिक्यूल है उनका सिंथेसिस करना रहता है, और इसके लिए जो है वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। तो और इंटरव्यू जो होगा उसमें भी आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नियम रिएक्शन रिएजेंट एनएमआर और ये जो सभी चीज़ें होती हैं इसी के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो भी रहेंगे। तो आपको जो इस वीडियो का जो मकसद था वो यही था कि आपको इस वैकेंसी के बारे में अवेयर करना कि इस टाइप की अपॉर्चुनिटी भी जो है वो आती है। और दूसरी बात, अभी जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट मोस्टली जो है वो सभी के कॉलेज नहीं चल रहे हैं, या जिनके चल भी रहे हैं तो बहुत ही कम समय के लिए चल रहे हैं। तो आप सभी ये ट्राई कीजिए कि ये जो अच्छा समय आपको मिल रहा है इस समय का आप उपयोग करें, इसको यूटिलाइज करो कुछ ऐसी स्किल सीखने में जो कि आपको अब तक नहीं आती है। वो स्किल कुछ भी हो सकती है, चाहे वो इंग्लिश कम्युनिकेशन हो सकता है, चाहे वो जो है वो अच्छी हैंडराइटिंग स्किल को सुधारना हो सकता है, या फिर वो जो है वो कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना हो सकता है, कंप्यूटर स्किल को डेवलप करना हो सकता है। आपका जो भी ऐसी कोई स्किल जो है वो आप अपनी जरूर डेवलप करते रहिए, क्योंकि ये जो टाइम है ऐसा समय वापस आपको नहीं मिलेगा। एक बार जॉब में जब एंटर हो जाओगे तो फिर काफ़ी मुश्किल है समय को निकालना। तो अपनी जो स्किल है उनको भी डेवलप करते रहिए, और लगातार जो है वो जो भी जो एस्पायरेंट्स हैं जो कि जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं, तो आप जो है वो लगातार जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें मैं लिंक्डइन को काफ़ी बार कहता हूं कि उसको भी आप यूटिलाइज करो अच्छे से, वहाँ से भी आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटी का पता चलेगा। इसके अलावा जो है वो रिसर्च आर्टिकल भी आप पढ़ते रहिए, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि एमएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एमएससी केमिस्ट्री के स्टूडेंट को किस तरीके से रिसर्च आर्टिकल पर फोकस करना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, और इसे जो है वो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा, क्या पता इस वैकेंसी से किसका भला हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।